ये कैसा चमत्कार है? इतनी दैवीय शक्ति कहां से आ गई इस औरत में? इसके सामने मैं ज्यादा देर रही तो मेरा अंत निश्चित है। बालवीर, आज तो मैं जा रही हूँ, पर याद रखना मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जल्दी तुम्हारा अंत करने फिर आऊंगी एक नई योजना के साथ। बालवीर, बालवीर तुम ठीक तो हो ना? लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे आई? और वो त्रिशूल? बेटा, ये सब माँ अम्बे की कृपा है। चलो बच्चों, घर चलते हैं। हाँ आंटी, चलो घर पे, हमें बहुत भूख लगी है। आपके घर पे पिज्जा है ना खाने के लिए? पिज्जा बर्गर तो नहीं, लेकिन माँ का प्रसाद जरूर मिलेगा। बालवीर, मैं यहाँ तो आ गई, लेकिन अब हम सबको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मानो मैं, तुम लोग ने हमें बचाने के लिए जो जाल डाला था उसका आइडिया एक नंबर था। रूप प्रचंडिका के ट्रैप का पता ही नहीं चला, सब करके जमीन के अंदर घुस गए। हाँ, मैं और मनीष भी तुम दोनों को देखने आए थे, और हम भी जुप करके जमीन के अंदर और सीधा प्रचंड लोग। बट थैंक गॉड, स्मिता आंटी को अम्बे माँ ने पावर दी और उन्होंने हमें बचा लिया। मैंने नहीं, यूं समझो कि माँ अम्बा ने तुम लोगों को बचाया है। माँ अम्बा के सामने प्रचंडिका एक पल भी नहीं टिक पाई और ऐसे ही भाग गई। प्रचंडिका तो बहुत डेंजरस थी। बालजी, इन सब के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी स्मृति को मिटाने का समय अब आ गया है। हरानी पर, आप सही कह रही हैं। ये सब जैसे पहले थे वैसे ही हो जाने चाहिए, क्योंकि इन सब के मन और दिमाग में प्रचंड लोग की जो भी बुरी यादें हैं वो मिट जानी चाहिए। हाँ बालजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सर भी भारी भारी सा लग रहा है।
अरे कुछ नहीं स्मिता, तुम सुबह से काम में लगी हो ना, थक गई होगी। चलो भाई अब गरबा खेलते हैं, सारी थकान मिट जाएगी और मूड फ्रेश हो जाएगा। पर अंकल हम गरबा खेलेंगे मतलब हम नाचेंगे, और नाचने से तो थकान आती है, हम फ्रेश थोड़ी होंगे। नहीं मोंटू, गरबे का सिस्टम कुछ अलग है, नाचने से एनर्जी जाती नहीं बल्कि आती है। सच्ची मुच्ची, ट्राई करके देख, सब समझ आ जाएगा। यंत्र तैयार है, इस यंत्र की मदद से हम भूतकाल और भविष्यकाल में आसानी से आ जा सकते हैं। वाह! और ये यंत्र किसी की भी उम्र को आसानी से घटा बढ़ा सकता है। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की है, परीक्षण शुरू किया जाए। हाँ हाँ, किया जाए परीक्षण शुरू। हाँ बिल्कुल सही कहा डूबा डूबा एक आपने, तो शुरू करें। अरे डूबा डूबा एक, नटखट परी के बनाए हुए समय यंत्र के अंदर आप प्रवेश क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि है यह यंत्र नया नया और है इतिहास गवाह कि है पहुंची मुझे हमेशा नए नए यंत्रों से नई नई तरह की चोट। डूबा डूबा एक, आप सभी डूबा डूबाओं के प्रधान हैं, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। इस समय यंत्र का परीक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये समय यंत्र ही हमें ये बताएगा कि भविष्य के 100 साल बाद क्या हम बुरी शक्ति पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकेंगे या नहीं। इसलिए जाइए डुबा डुबाई, इस यंत्र के परीक्षण के लिए आपको इसमें प्रवेश करना ही पड़ेगा। जाइए। अच्छा, जो आ गया रानी परी, एटिक वो करता मैं प्रवेश इस यंत्र में। डुबा एक तैयार? हाँ, तैयार, तैयार। डुबा डुबा एक उठिए, माफ कीजिएगा डुबा डुबा एक। लगता है कि समय यंत्र में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से ये सही तरह से काम नहीं कर रहा है। हम इसे अभी ठीक करने की कोशिश करते हैं। समय यंत्र के ठीक होते ही फिर से डुबा डुबा एक को इस यंत्र में भेजकर हम परीक्षण करेंगे। अरे बलू लल्लू, इतना टाइम तो लड़कियों को भी नहीं लगता जितना तुझे रेडी होने में लगता है। मम्मी पापा और चाचू तेरे बाद तैयार होकर मंदिर चले गए, पर तू अभी तक रेडी नहीं हुआ।
अरे चले क्या गए, आने भी वाले होंगे। ये बल्लू लल्लू की वजह से हमेशा लेट हो जाता है, लगता है जुड़कर स्कूल जाना पड़ेगा। यानी कूद कूद कर जाना पड़ेगा, लंबा लंबा जंप मार के जाना पड़ेगा, तभी तो टाइम पे पहुंचेंगे स्कूल में, है ना? तूने उड़ उड़ कर सुना? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। एक काम करो, तुम लोग कूदते कूदते जाओ, मैं भी पीछे पीछे वैसे ही आता हूँ। हाँ ठीक है, चल मानो। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। ना ना घबराओ मत बालवीर, मैं तुम्हें समाप्त करने या फिर कैद करने नहीं आई, मैं तो बस तुम्हें बुराई की मिट्टी का स्वाद चखाने आई। कहाँ चले गए? और प्रचंडिका ने मुझ पर क्या फेंका था? जो भी फेंका था, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? अरे अब लेकर क्यों आए आप यहाँ इस बाग में मुझे? तबा तबा मेरी लगा मुझे तो कि हैक करने जा रहे, हम तो बालवीर का अंत, लेकिन उड़ा कर आए आप तो वहाँ दूसरे के साथ होली के रंग। इतना आसान अंत तो कोई अपने मित्र को भी नहीं देता, तो बालवीर तो मेरा शत्रु है। आपकी खेल कर होली? अरे यूं हवा में ऐसे रंग उड़ाने से है बेहतर कि भर दो रंग आपके हार के चित्र में जीत के रंग। बेवकूफ, ये कोई आम पदार्थ नहीं है, ये अपना असली रंग परियों पर आक्रमण करने के बाद दिखाएगा। क्या? असली रंग परियों? अरे लेकिन बताइए ये मुझे कि आए हम यहाँ किस लिए? तुम बस अपने कछुए जैसा दिमाग लड़ाना बंद करो, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। उठाओ इस संदूक। क्या? अब क्या इस संदूक को लेकर भीख मांगूंगा मैं इस बाग में? बोलिए क्या करना? तुम्हें संदूक में परिलोक के बादलों को कैद करना है। अरे प्रचंडिका,
क्यों बन सकता मैं कैदी, लेकिन कर नहीं सकता किसी को कैद। डरपोक, तौबा तौबा डरपोक। अरे मैं परियों पर आक्रमण करूंगी ताकि उनका पूरा ध्यान मुझ पर रहे और इसी का फायदा उठाकर तुम्हें संदूक में परीलोक के बादलों को कैद करना है। तुम्हारे वहाँ होने का उन्हें पता भी नहीं चलेगा। करोगे कैसे आप आक्रमण परीलोक पर, जब भेद नहीं पाओगे आप परियों का सुरक्षा कवच, तो सुनकर चेतावनी यंत्र की आवाज पहुँच जाएंगे परिया तुरंत वहाँ पर। पहुँचने दो, ये घेर कर आपको करेगी आप पर आक्रमण। करने दो, जो करना है करने दो उन्हें। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अरे लेकिन प्रचंडिका, आप भी मेरे मन में एक सवाल। एक और सवाल किया तो तुम्हारी जुबान काट के रख दूंगी। काले पंख। अरे 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 अरे, उड़ सकता मैं भी प्रचंडिका। अच्छा अच्छा, आया अब समझ में मेरी कि लेकर क्यों आई आप यहाँ मुझे इस बगीचा में, ताकि ले सकूं मैं भी आनंद उड़ने का। शुक्रिया प्रचंडिका, शुक्रिया। बेवकूफ, परियों, बालवीर जरूर प्रचंडिका कोई नया खेल खेलने वाली है, हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। और वो खेल जो भी हो रानी परी, हम सबको मिलकर उसे हराना होगा, उसके हर एक वार का जवाब देना होगा हमें। लेकिन हमें उस वार के बारे में ही तो पता नहीं चल पा रहा है। आखिर बालवीर पे उस पदार्थ को फेंकने के पीछे प्रचंडिका का क्या उद्देश्य है? और जब तक उस उद्देश्य का पता नहीं चलेगा, परिलोक पे और बालवीर पे खतरा बना रहेगा। लगता है प्रचंडिका ने परिलोक का सुरक्षा कवच भेज दिया। प्रचंडिका, प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा, क्योंकि प्रचंड का है प्रचंड बुराई की तस्वीर। हाँ ठीक कहा तुमने, बुराई की तस्वीर जिसे आज सच्चाई और अच्छाई हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। अच्छा तो इंतजार किस बात का है रानी परी? लो मैं खुद ही आ गई तुम सबके सामने मिटने के लिए। करो आक्रमण, करो, कर दो मेरा अंत, अंत कर दो बुराई का आज। रानी परी, हमें इसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। परियों, आक्रमण करो।